नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब नजर डाल लेते हैं अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। रेवड़ी कल्चर को लेकर चल रही बहस के बीच आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा आम जनता के लिए चलाई जाने वाली तमाम वेलफेयर स्कीम्स को रेवड़ी बताकर केंद्र सरकार आम जनता का मजाक बना रही है। सिसोदिया ने कहा कि आज देश में गवर्नेंस के सीधे सीधे दो मॉडल दिख रहे हैं। पहला मॉडल दोस्तवाद मॉडल है, जिसमें दोस्तों के लाखों करोड़ रुपए माफ़ किए जाते हैं, जबकि दूसरा मॉडल केजरीवाल मॉडल है, जिसमें जनता का पैसा जनता के कल्याण में खर्च होता है। इसके तहत जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल, मुफ्त बिजली के लिए किया जा रहा है। सिसोदिया ने कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के डेवलप होने का कारण ही ये है कि वो अपने लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, और हमारे यहाँ सरकार लोगों में इन्वेस्ट करने को कहती है कि ये फ्री की रेवड़ी है, इसे बंद करो। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जिसके घर में तिरंगा नहीं लगा होगा उसे हम कभी भी भरोसे की नज़र से नहीं देख पाएंगे। उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना की है। बीजेपी नेता महेंद्र भट्ट ने कहा है कि घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने में किसे समस्या हो सकती है, राष्ट्र उन पर भरोसा नहीं कर सकता जो देश का झंडा नहीं फहराते। भट्ट के बयान को मूर्खतापूर्ण टिप्पणी करार देते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्हें कुछ भी कहने से पहले दो बार सोचना चाहिए। गोदियाल ने कहा कि वह पहाड़ों की यात्रा पर हैं और उन्होंने कई घरों पर तिरंगा नहीं देखा है। ऐसा शायद बीजेपी शासन में उनकी माली हालत खराब होने के कारण हुआ है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि हर हिंदुस्तानी देशभक्त है और हर हिंदुस्तानी के दिल में तिरंगा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जबरन तिरंगा झंडा बेचने को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि राशन कार्ड धारक इसको लेकर आपत्ति जता रहे हैं। उस वीडियो में कई लोगों की यह शिकायत है कि उन्हें जबरन तिरंगा झंडा दिया गया है। तिरंगा झंडा के लिए पैसा नहीं चुकाने पर राशन नहीं देने की शिकायतें की गई हैं। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद आरजेडी के नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। तेजस्वी यादव की यह मुलाकात दिल्ली में सोनिया के आवास 10 जनपद पर हुई। ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी और कांग्रेस और अन्य दलों के साथ सरकार बनाई है। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान नीतीश मंत्रिमंडल में कांग्रेस के विधायकों को शामिल करने के मसले पर भी चर्चा हुई है। 24 अगस्त से बिहार विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। बीजेपी ने चंद्रशेखर बाबनकुले को महाराष्ट्र का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं विधायक आशीष शेलार को मुंबई का अध्यक्ष बनाया गया है। अब तक प्रदेश अध्यक्ष का पद चंद्रकांत पाटिल और मुंबई शहर की जिम्मेदारी मंगल प्रभात लोढ़ा के पास थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र और मुंबई के लिए ये बदलाव किए हैं। चंद्रशेखर बाबनकुले ओबीसी समुदाय से आते हैं और इस बड़े पद पर उनकी नियुक्ति को बीजेपी के द्वारा ओबीसी मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश माना जा रहा है। बीजेपी ने हाल ही में शिवसेना के शिंदे गुट के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। दिल्ली में एक युवक की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। यह हत्या दक्षिणी दिल्ली के मालवी नगर इलाके में हुई, जहां 25 साल के एक नौजवान को बीच सड़क पर मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक का नाम मयंक था और वह होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुका था। घटना की सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि भीड़भाड़ वाले बाजार में 4 से 5 लोगों ने मयंक पर चाकुओं से हमला कर दिया। घटना के मुताबिक मयंक मालवीय नगर इलाके में अपने दोस्त के साथ बैठा था और तभी 4-5 अज्ञात लोगों से किसी बात को लेकर उसकी बहस हुई और उन्होंने मयंक और उसके दोस्त पर पत्थरों से हमला कर दिया। मयंक और उसका दोस्त अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन हत्यारे मयंक का पीछा करते हुए मालवी नगर इलाके की डीडीए मार्केट में पहुंच गए और फिर मयंक को घेर कर चाकुओं से हमला कर दिया।
2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश ने कहा है कि वह विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम करेंगे। नीतीश ने कहा कि अच्छा होगा कि सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ काम करें और इसे सुनिश्चित करने की कोशिश करना उनका काम है। नीतीश के आने के बाद निश्चित रूप से बिहार में 2024 का चुनावी दंगल जोरदार होगा और देखना होगा कि क्या तमाम विपक्षी दल साथ आ पाएंगे। आरसीपी सिंह को लेकर किए गए सवाल पर नीतीश ने कहा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, हमने आरसीपी सिंह को बहुत अधिकार दिए थे लेकिन उन्होंने दल के हित में काम नहीं किया और बहुत गड़बड़ की। नीतीश ने कहा कि 2020 में जब हमारी सीटें कम हुई तो हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे लेकिन बीजेपी की बात मानकर मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ गई कि हमारे दल के लोग भी कहने लगे और हमें एनडीए छोड़ना पड़ा। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर नीतीश ने कहा कि वह हाथ जोड़कर एक बात कहते हैं कि उनके मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे ने कैबिनेट विस्तार में जगह न मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। पंकजा ने गुरुवार को कहा कि हो सकता है कि वह कैबिनेट में जगह पाने के योग्य नहीं हो। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के 9-9 मंत्रियों ने इस सप्ताह के शुरू में हुए पहले विस्तार के दौरान शपथ ली थी। तब विस्तार को लेकर सरकार की आलोचना हुई थी क्योंकि उसमें एक भी महिला नहीं थी। भाजपा के दिग्गज नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा को जून में हुए विधान परिषद के चुनाव में भी बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया था। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पंकजा मुंडे के बीजेपी छोड़ने की अटकलें लगने लगी थी। पंकजा ने बगावती तेवर दिखाए थे और ट्विटर बायो से बीजेपी शब्द हटा लिया था, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने उन्हें मध्य प्रदेश का प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव बनाकर मना लिया था। पंकजा मुंडे 2019 में चुनाव हार गई थी। महाराष्ट्र की सियासत में कहा जाता है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से 36 के आंकड़े के चलते ही पंकजा मुंडे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बन सकी थी। तमाम विवादों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश में बरकरार है। 2024 के आम चुनाव में 53% लोग उन्हें फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। यह दावा इंडिया टुडे और सी वोटर के एक सर्वे में किया गया है। इंडिया टुडे ने इसे मूड ऑफ द नेशन पोल का अगस्त संस्करण बताया है। दावे के मुताबिक सर्वे में देश के करीब 53% लोगों ने अगले प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है, जबकि सिर्फ 9% लोगों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन किया और 7% ने प्रधानमंत्री पद के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया। सर्वे के दौरान 40% लोगों ने विपक्ष के रूप में कांग्रेस की भूमिका को अच्छा बताया, जबकि 34% ने इसे खराब बताया है। पूर्व राज्यसभा सदस्य पवन वर्मा ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। वह पिछले साल ही टीएमसी में शामिल हुए थे। उन्होंने ट्विटर पर ही इस्तीफा देने का ऐलान किया। पवन वर्मा विदेश सेवा में काम करते हुए कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी कई किताबें लिखी हैं। उन्हें भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिल चुका है। समान नागरिकता कानून का समर्थन करने के मुद्दे पर पवन वर्मा ने जेडीयू की आलोचना की थी। इसके बाद उन्हें जनवरी 2020 में जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अभी भी दिल्ली के एम्स अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। उनकी स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। दुनिया भर में उनके प्रशंसक उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। राजू को लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रखा गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट के दौरान राजू श्रीवास्तव के ब्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर्स की टीम राजू श्रीवास्तव की देखरेख में जुटी हुई है। बता दें कि बुधवार को जिम में वर्कआउट करते समय राजू श्रीवास्तव की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। वह बेहोश होकर गिर पड़े थे। इसके बाद उन्हें लोग अफरा तफरी में दिल्ली एम्स अस्पताल ले गए थे। राजू श्रीवास्तव बिग बॉस, शक्तिमान, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस और द कपिल शर्मा शो में अपने हुनर का जलवा बिखेर चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ।